वैसे मोदी जी इस अखिलेश को कौन सी जगह छोड़ने का इरादा है? अपना लोग इसकी खार तो इसके घर से उठा लाए, कहाँ पे छोड़ोगे इसको? योगी जी तुम भी अजीब बात करती हो, जब मजाक करो तो भरपूर करो। अब अपना लोग इस राहुल की खाट को खेतों पे छोड़ेंगे, बीचा बीच खेत में छोड़ के चले आएंगे, बस ये उठे नहीं है, इसी सोता रहे। अरे योगी जी ये तो जग रहा है, ऐसा लग रहा है जग रहा है। अरे मेरी खाट अपने आप चल कैसे रही है? कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ भाई राहुल भाई तुम सपना ही देख रहे हो, सपने में हो तुम इस टाइम, समझे ये हकीकत नहीं है। लेकिन मेरे सपने में मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, लालू जी भी हैं और अखिलेश तुम भी हो, तुम मुझे सपने में कहाँ ले जा रहे हो? राहुल हम तुम्हें प्राकृतिक दुनिया की सैर कराने के लिए ले जा रहे हैं, हरे भरे खेत दिखाएंगे और बहुत सारी खूबसूरत जगहें दिखाएंगे अपने गांव की। अरे भाई मोदी जी सपने में भी यही जगहें देखने को मिलेंगी, ये तो मैं रोज देखता हूँ अपने गाँव में, कोई दूसरी चीज देखने को मिले सपने में? कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो? कहीं ये हकीकत तो नहीं है? तुम मेरी खाट तो नहीं उठा लाए मेरे घर से? अरे कैसी बात करती हो राहुल, ये तुम्हारा सपना ही है, ये सपने में हो तुम, समझे हकीकत नहीं है। सपने की दुनिया से बाहर आओगे तो अपने आप को अपने घर में लेटा हुआ पाओगे। अभी मैं अपने आप को चुटकी काट के देखता हूँ, अगर मुझे दर्द हुआ तो समझो हकीकत है, नहीं तो ये सपना है। ओफो ये तो दर्द हो रहा है मुझे, ये हकीकत है। मोदी जी तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, रखो मेरी खाट को यहाँ पे, घर से कैसे उठा लाए मेरी खाट को तुम? अरे राहुल हमने सोचा सुबह सुबह तुम्हें गाँव की सैर कराना है, तुम तो बहुत लेट उठोगे सोके, तो ये मेरा ही प्लान था, मैंने सोचा तुम्हारी खाट को ले जाके खेतों पे रख देते हैं, तुम्हें ताजी ताजी हवा भी मिल जाएगी खेतों की, समझे कुछ गलत किया क्या हमने? अरे भाई मोदी जी तुम इतनी देर से सपने का नाम देके मुझे बेवकूफ बना रहे थे, समझे ये कोई तरीका है किसी के घर से उसकी खाट उठा के ले आए तुम? ऐसी बदतमीजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे अभी कम से कम मैं 3 घंटे और सोता, तुमने मेरी नींद खुलवा दी, वो तो मेरी जब खाट बुरी तरीके से हिली तो मेरी आँख खुल गई, हालांकि फिर भी मैं सपना ही समझा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी कहाँ घने जंगल में ले आए यहाँ पर, तुम्हें गांव वालों की मदद करने की बहुत पड़ी रहती है। अरे जंगल के पास वाले गांव वालों ने तुमसे कह दिया कि जंगल से कोई खतरनाक चीज गांव में आती है और वो बहुत परेशान करती है, अब तुम उस चीज को ढूंढने के लिए यहाँ पर जंगल में आयो, मुझे भी लाए हो, राहुल को भी लाए हो और इंस्पेक्टर अखिलेश को भी लाए हो। अरे योगी जी कैसी बात करती हो, गाँव वालों की मदद करना अपना फर्ज है, गाँव वाले बताते हैं कि कोई खतरनाक सी चीज लंबे लंबे नाखून है उसके और सफाई सफाई दांखे, वो चीज गांव में आती है और डराती है, तो मैंने सोचा मैं भी तो देखूं आखिर ऐसी कौन सी चीज है, अपने डंडे से पटक पटक के मारूंगा उस चीज को। अरे मोदी जी कितना घना जंगल है, अरे मोदी जी वो देखो तुम अपने अखिलेश के बीच में देखो कौन सी खतरनाक चीज दिख रही है, अरे मुझे तो डर लग रहा है उसकी सफेद सफेद आंखें हैं, देखो कहीं यही तो वो चीज नहीं है, मैं तो भागता हूँ भाई, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर। अरे मोदी जी कौन सी आफत में फंसा दिया तुमने यहाँ जंगल में मुझे लाके, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रुकूंगा। अरे इंस्पेक्टर अखिलेश जी कैसी बातें करती हूँ, आपका फर्ज है हम जनता की सेवा करना और यहाँ से आप भागने की बात कर रहे हैं, डर तो मुझे भी लग रहा है लेकिन मैं नहीं भाग रहा हूँ, इस चीज को आने तो दो पास में, डंडे से मारूंगा। अरे मोदी जी मेरा फर्ज मुझे याद मत दिलवाओ, मेरा फर्ज इंसान से इंसान की रक्षा करना है, ना कि भूत प्रेतों से तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं, भूत प्रेतों से तो मुझे भी बहुत डर लगता है भैया, मैं समझाता यहाँ पर कोई भूत प्रेत मिलेगा ही नहीं, ये देखो कौन सी खतरनाक चीज मिल गई, ये तो करीब में आ रही है, भागो भाई भागो। अरे भाग के जाओगे कहाँ, मैं कहीं जाने दूंगा, तभी तो भाग के जाओगे कहीं। अरे तुम बोलते भी हो क्या बात है, कौन हो तुम और हम इंसानों को क्यों परेशान करती हो, पास वाले गाँव के लोगों को? मैं एक भेड़िए की आत्मा हूँ, आज से 100 साल पहले एक इंसान ने मेरा यहाँ पर इसी जंगल में शिकार किया था, तब से मेरी आत्मा यहाँ पर इसी जंगल में ऐसी भटक रही है। लेकिन भाई एक इंसान की सजा सब इंसानों को क्यों देती हो, एक इंसान ने गलती की सबको सजा देने का क्या मतलब है तुम्हारा? माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था वो तो अब तक जाने कब का मर चुका होगा, क्योंकि तुम ही बता रहे हो इस बात को 100 साल हो गए। चलो ठीक है, आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा, आपकी बात मेरे दिमाग में आ गई। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।